हेलो गाइस, जैसे ही सुबह होती है तो ब्रश करने के बाद चाय बनाने तक तो सब ठीक रहता है। उसके बाद आती है बारी नाश्ता बनाने की। तो नाश्ता बनाना सबसे बड़ा टेंशन का काम होता है कि क्या बनाएं। जैसे रोज वही दलिया, पोहा, सैंडविच, तो कभी कुछ अलग बनाएं। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आज नाश्ते में मैं क्या बना रही हूँ और आप क्या बना सकते हो। तो पोहा कटलेट मैं बनाने वाली हूँ, तो चलो मैं शुरू। नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टेस्ट फ्यूजन में। तो चलिए आज हम बनाते हैं कुछ यूनिक सा स्नैक्स, आप इसे नाश्ते में भी बना सकते हैं। तो आज मैं बनाने वाली हूँ पोहा कटलेट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि 5 से 6 मीडियम साइज के आलू को उबलने के लिए रख देना है। उसके बाद आपको जो है पोहा भिगो के धुल के उसको 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। 10 मिनट में पोहा बढ़िया से फूल जाएगा, तब तक आलू पक जाएगी आपकी। फिर आलू को छील के मैश कर लें, फिर उसमें पोहा आलू मिक्स कर दें, फिर उसमें कुछ कटी हुई सब्जियां डाल दें, जैसे शिमला मिर्च, प्याज, हरी मिर्च, छोटे छोटे पीस में कटे हुए लहसुन, अदरक और धनिया पत्ती और करी पत्ता भी डाल सकते हैं। इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लें। उसमें कुछ मसाले भी ऐड कर लें, जैसे चाट मसाला, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, भुने हुए जीरे का पाउडर और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। इन सारी चीजों को डाल के और नमक स्वाद अनुसार डालें और बढ़िया से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए आप इसको रख दें। उसके बाद गैस ऑन करें, उस पर रखें कढ़ाई, पैन जो भी है आपके पास, उसमें डालें तेल। तेल आप कोई सा भी ले सकते हो, घी, रिफाइंड, सरसों का तेल, ठीक। जैसे ही तेल गर्म हो गैस को लो कर दीजिए। फिर उसमें आप जो कटलेट का बैटर रखे हुए हैं, सामग्री रखे हुए हैं, उसको छोटे छोटे पीस में टिकिया बना के फ्राई कर लें। बस आज का कटलेट मेरा तैयार है। थैंक यू।